ओके ग्रेट। सो एक और मेथड है अपने पास जो डिमांड में भी सेम मेथड है और सप्लाई में भी सेम मेथड है। इसको पॉइंट इलास्टिसिटी में डिफरेंशिएशंस को यूज करते हैं। तो किस तरह से है ये मेथड उसको समझ लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, उसके बाद आंसर पे आते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है। ये देखो क्वेश्चन नंबर वन देखो यहाँ पे, द सप्लाई फंक्शन इज गिवन एज दिस। वैसे ही डिमांड में भी सेम आएगा, आपको डिमांड फंक्शन दिया जाएगा और यहाँ पे आपको बाकी कोई चीजें दी नहीं गई है। आपको ये बताना है, सिर्फ प्राइस दिया होगा और आपको बताना है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जैसा भी है यूजिंग पॉइंट मेथड कितना है। ठीक है, तो ये आपको बताना। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन वाली मेथड को। तो क्या है ये डिफरेंशिएशन वाली मेथड? डिफरेंशिएशन बेसिकली आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में भी, जो बहुत माइन्यूट माइन्यूट चेंजेस होते हैं ना उनको पता लगाने के लिए किया जाता है। बहुत सिंपल सा, अपन एकदम कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाने वाले, बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला को यूज करके आपको आंसर आ जाता है। तो ये देखो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ये जो है ना बेसिकली डी क्यू अपॉन डी पी, दिस इज द चेंज फैक्टर या कोएफिशिएंट, इसको आप मान लो कोएफिशिएंट वेरिएबल मान लो इसको, और बाकी ये चीजें सेम है, पी यानी कि प्राइस डिवाइडेड बाय क्यू यानी कि क्वांटिटी। तो फॉर्मूला कुछ सिंप्लीफाइड इस तरह से है, आप चाहे तो अपने नोट्स में भी लिख सकते हो, सिंप्लीफाइड फॉर्मूला लिख दो सब बच्चे। कोएफिशिएंट वेरिएबल जो भी रहेगा, ठीक है, क्या होता है, कहाँ ढूंढना है, सब मैं बताता हूँ। कोएफिशिएंट वेरिएबल इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, कोएफिशिएंट वेरिएबल इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, बस। तो कोएफिशिएंट वेरिएबल क्या है? बहुत सिंपल, बहुत 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 यानी कि बहुत ही सिंपल। ये तुम्हारे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया मान लो, ये तुम्हारे फुकट के मार्क्स है। तो अपन ये इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं जरा और सॉल्व करते हैं। -100 +10p, ठीक है, और प्राइस है 15, प्राइस है 15, इक्वेशन है -100 +10p। सबसे पहली बात आपको पता लगाना है क्वांटिटी क्या है, फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है कोएफिशिएंट वेरिएबल इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, लेकिन क्वांटिटी अपने को नहीं पता है, कोएफिशिएंट वेरिएबल का जान दो अभी, रिलैक्स रहो। क्वांटिटी अपने को पता लगाना है, कैसे लगाते हैं क्वांटिटी पता, बहुत सिंपल। जैसे 8th स्टैंडर्ड में इक्वेशंस सॉल्व करते थे ना, वैसे ही तुमको यहाँ पे भी इक्वेशन सॉल्व करना है। तुमको ये दिया गया है प्राइस, ये प्राइस इसमें डाल दो, यहाँ पे जो पी है इसमें डाल दो और इक्वेशन को सॉल्व करो, तो कितना आता है -100 +10, और पी की जगह क्या लिखूंगा मैं अब 15, तो ये आएगा -100 +150। कितनी है तरे फोर और नो, चैट बॉक्स में बताओ जरा। बिल्कुल सही जवाब, आंसर आता है आपका 50। तो अब अपने को इस इक्वेशन में डालना है, प्राइस अपने को पता है 15, क्वांटिटी मिल गई है 50। अब पता लगाते हैं कोएफिशिएंट वेरिएबल क्या है। अच्छा ध्यान से सुनना आप, जहां पे भी ये वाला जो पार्ट रहेगा फ्री वाला नहीं, जहां पे बेसिकली कोई भी वेरिएबल नहीं रहेगा आपका, वो नहीं देखना है आपको, ठीक है। जहां पे वेरिएबल है वो वाला पार्ट देखना, जैसे यहाँ पे पी ये वेरिएबल है और इसके साथ में 10 ये कोएफिशिएंट है, सिंपल। तो आपको क्या करना है, इस 10 को उठाना है और यहाँ पे डाल देना है, बस। दिस इज द कोएफिशिएंट वेरिएबल, कुछ दिमाग नहीं लगाने का। यहाँ पे +10 है, यहाँ पे लिख दो +10, -10 लिखा है लिख दो यहाँ पे -10, जितना भी रहेगा यहाँ पे -500 रहने दो, जो है डायरेक्ट उठा के लिख दो कोएफिशिएंट वेरिएबल। फ्री वाला नहीं, ये वाला नहीं, जिसपे वेरिएबल नहीं है वो देखने का ही नहीं है अपने को, ठीक है। वो इक्वेशन सॉल्विंग में था, उसका काम हो गया। जिसके साथ वेरिएबल है और उसका कोएफिशिएंट अपने को यहाँ पे चाहिए, और इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा इलास्टिसिटी का, कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना है। कितिए तरे फोर और नो, बिल्कुल सही जवाब 3 3, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 3। बात खत्म फुकट के मार्क्स से, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली आपके मॉड्यूल के पीछे, जो अपडेटेड मॉड्यूल है उसके पीछे तो क्वेश्चंस नहीं है, पिछले अटेम्प्ट में हुआ करते थे,
इसके ही क्वेश्चंस मॉड्यूल में, लेकिन टेंशन मतलब ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं और तुम सॉल्व करो, ठीक है। चलो ऐसे ही कोई भी इक्वेशन बनाते हैं, उसमें क्या इतनी बड़ी बात है, क्यू इज इक्वल टू माइनस 500 प्लस 25p एंड प्राइस इज रुपीज 50, प्राइस इज रुपीज 50। सबसे पहले क्या करने का, सबसे पहले फॉर्मूला लिखने का, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू कोएफिशिएंट वेरिएबल इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी हमें पता ही नहीं है, तो पहले क्वांटिटी वाला इक्वेशन सॉल्व करो, q इज इक्वल टू माइनस 500 प्लस, अब ये p p पता है अपने को 50 है, डाल दो 25 इनटू 50, ठीक है, माइनस 500 प्लस कितना कितनी इधर ही था कितनी इधर, आंसर आंसर बताओ जरा, सॉल्व करके कैलसी यूज करो, मेरे पास नहीं है। 1250, बिल्कुल सही जवाब 1250। सॉल्व करूंगा अगर मैं इस पूरे को तो कितना आता है 750, बिल्कुल सही, सिंपल 750, क्वांटिटी मिल गया, बात खत्म। कोएफिशिएंट वेरिएबल, अब मुझे तुम बताओ p और q मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए, ये 50 और ये 750। सबसे पहले तो कोएफिशिएंट वेरिएबल बताओ कितना लिखूं, कितना लिखूं, बोला, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे मेरे को लिखना है 25, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे कोएफिशिएंट वेरिएबल, बस उठा के यहाँ पे चिपका दो, बात खत्म हो गई, सिंपल। इसको सॉल्व करो कितना आता है मुझे बताओ आंसर, 25 इनटू 50 अपॉन 75, 1.67 राइट आंसर, सिंपल, समझ गया। एक और करोगे, चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, एक और क्वेश्चन करो, ठीक है। अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, तुम खुद सॉल्व करो। क्वांटिटी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू माइनस 150 प्लस 15p, प्राइस इज रुपीज 12, प्राइस इज रुपीज 12। फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी लिख देता हूं आपके लिए, कोएफिशिएंट वेरिएबल इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, सिंपल। सबसे पहले q का पता लगाओ, बेसिक्स से जाओ, q का पता लगाओ और मुझे बताओ q कितना आता है, पहले तो ये बताओ। माइनस 150 प्लस 15 इंटू 12 कितना आता है, इसको सॉल्व करो जरा। Q is 30, बिल्कुल सही जवाब। सब बच्चे प्लीज जल्दी जल्दी आंसर दो, एक ही मिनट होता है अपने पास। 30 आ गया, बस बात खत्म। इसमें डाल दे फॉर्मूला में, कोएफिशिएंट वेरिएबल कितनी है रे, कोएफिशिएंट वेरिएबल बताओ जल्दी से कितना है, 15, बिल्कुल सही जवाब। ये देखिए यहाँ पे, ये जो कोएफिशिएंट वेरिएबल है इसको यहाँ पे डाल देने का, चिपका देने का। प्राइस कितना है, 12 रुपए डाल दो, क्वांटिटी है 30 डाल दो, कितना आता है आंसर, आंसर आता है 6, बिल्कुल सही जवाब, इलास्टिसिटी इज 6। फुकट का मार्क्स है ये, ठीक है।